उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा पार्टी की टोपी बैज और झंडे के साथ गढ़वाल से भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि यह बहुत दर्दनाक है। विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति निष्पक्ष होने की उम्मीद है। जो कोई भी उस पद पर रहता है वह सभ्य आचरण प्रदर्शित करता है, उससे उपेक्षाएं होती हैं। मुझे लगता है कि इस पद के आचरण और गरिमा पर सवाल उठता है। रितु खंडूरी को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जी बड़ा कष्टदायक है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की जो पीठ है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष हो। उत्तर प्रदेश जो हमारा मातृ प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के तमाम अध्यक्षों का आप उदाहरण देख लें। राज्य बनने के बाद 24 वर्षों में 4 विधानसभाएं जो पिछली रही हैं उनके अध्यक्षों का आप उदाहरण देख लें। पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति एक मर्यादित आचरण करता है, उससे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जिस दिन वो पीठ पर बैठ जाता है उसे ये माना जाता है कि वो सबका है और सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। तो उसमें बैठे हुए व्यक्तियों ने, इससे पहले के अध्यक्ष रहे हों और चाहे उत्तर प्रदेश का जमाना आप देख ले, आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन साहब, वो तो ऐसे अध्यक्ष थे जिनके बारे में एक सदस्य ने टिप्पणी कर दी और उन्होंने अगले दिन सदन में जाकर के कहा कि मैं अध्यक्ष की कुर्सी में तब बैठूंगा जब पूरे सदन के लोग ये कहेंगे कि उनको भरोसा है, अन्यथा वो रिजाइन कर देंगे। एक भी सदस्य अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और नेता सदन ने, नेता विपक्ष ने खड़े होकर के पूरे सदन की तरफ से प्रस्ताव करा, सारे सदन ने प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया और